स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। एक दिन के बच्चे को घर में दफनाने का अजीब मामला आया सामने। आज एक हैरान करने वाला मामला बीजापुर के कन्ना नगर में पेश आया। आस पड़ोस के लोगों में अफरा तफरी के बाद पुलिस पहुंची मौके वारदात की जगह। मामला संतोष बिरादार के घर का है। इसके भाई की बीवी रेखा जो गुलबर्गा से डिलीवरी के लिए यहां आई हुई थी, संतोष के मुताबिक इसके भाई की बीवी रेखा ने विलास कुलकर्णी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था, जहां बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। घर के लोगों के मुताबिक यहीं दफनाने का मशवरा हुआ। घर के कंपाउंड में दफनाया गया। जब आसपास के पड़ोस वाले जानने की कोशिश की तो घर का मामला कहते हुए लोगों को दखल ना देने की बात कही संतोष बिरादार ने। अब मामला जलनगर पुलिस की नज़र में आ चुका है। इसकी सारी सच्चाई पुलिस की जांच और डॉक्टर की हकीकत बताने के बाद ही पता चलेगी कि सच में मामला क्या है। क्या ये अंधविश्वास की भेंट चढ़ा है बच्चा या कोई और वजह। यहाँ ये बात हैरान करने वाली है कि बच्चे को क्यों दफनाया गया, क्यों रेखा माँ के घर छोड़कर पति के भाई के पास डिलीवरी के लिए आई थी। ऐसे कई सवालों के घेरे में है बिरादार परिवार। ರಮೇಶ್ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಅದಕ್ಕ ಮನಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಮ್ ಜಾಗನೇ ಇದಾದ್ರು ನಮ್ ಜಾಗನೇ ಅವ್ ಹೊರಗೆ ಕೂಸಿನ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವ ನೀನ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆಕಿ ತಾವ್ರ ಮನಿ ಬಾಯ್ಬೇಡ್ರಿ ಅವಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಇಲ್ಲೇ ನೀನ್ ಇಲಾಸ ಕುಲ್ಕಾನ್ ದಾಖನ್ಯಾಗ ಎದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳತ್ರಿ ಇಲಾಸ ಕುಲ್ಕಾನಿ ಆಗೈತ್ರಿ ಆಕಿಗೆ 24 ಹೌದು ಉರಿ ಹಾಕೊಂಡ ಬಂದಿತ್ರಿ ಸರ್ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿದ್ದೆ ಗಂಡ ಮನೆಗ ಅವ್ರ ಗಂಡನ ಅಪ್ಪ ಯಾರಿದ್ರು संतोष बिरादर जो कन्ना नगर में मौजूद है। अभी हमें इत्तला मिली थी कि कल शाम में जो है शाम में 7 बजे एक बच्चे को यहाँ पर दफनाया गया है। लोग आसपास देखे और हमें इत्तला मिलने के बाद यहाँ आए तो यहाँ जलनगर पुलिस स्टेशन के PSI भी यहाँ पर पहुँचे हैं और वो संतोष बिरादर के कहने के मुताबिक जो है बच्चे उसके बहन का बच्चा है जो कल विलास कुलकर्णी के हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी। बच्चा मृतक होने की वजह से तो उनके धर्म के मुताबिक बच्चा बाहर नहीं जाता है। उनके कहने के मुताबिक बच्चे को यहाँ पर दफनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल शाम में यहाँ पर बच्चे को दफनाया गया है और यहाँ के लोग जो है कंप्लेंट देने के बाद अभी पुलिस जो है इसके छानबीन कर रही है, पुलिस इंक्वायरी कर रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम मोहम्मद यासीन इमाम साहब ओटी, रामनगर मालदार कॉलोनी में घर है। हमारे घर के बाजू में कल रात ठीक 7 बजे हमारे घर के बाजू वाले जो है संतोष बिरादर बोल के, वो जो है अपने एक वो कहाँ से तो एक मरे से बच्चे के लेकर अपने कंपाउंड में क्या है गड़ाने की कार्रवाई कर रहे थे। वो उनके बच्चे ही आग को भाग को हमारे घर में बोले कि भाई जो है वो मतलब क्या है हमारे बाप कौन से तो एक मरे से बच्चे के लेकर घर में गड़ा रहा जरा आग बोला उल्टी कर को। फिर हमारे घर वाले आजू बाजू बैकांग जमाए, बैकांग उनको बोले किसका बच्चा है की लड़की गड़ा रही, उनको बोले तो ये नहीं हमारे घर आए हमें क्या आप करने वाले,
मैं गढ़ाती हूँ, एक बच्चे को गढ़ाया गया है, लिहाजा जो है वो इतला जलंधर पुलिस स्टेशन को पहुँच चुकी है। अब इसी सिलसिले में क्या है, पुलिस लोग आकर क्या है पूरी तलाशी भी अभी ले रहे हैं, इसके बाद उन घर लोग उनके घर के लोगों को ले जा करके क्या इंक्वायरी भी शुरू कर रहे हैं, इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी इसके बाद इंशाल्लाह फिर इतला करेंगे। हाँ वो तो एक्चुअली क्या है, वो सिर्फ औरतें लोग देख रही, वो मुझे रात को 11 बजे आने के बाद बोले घर के बाजू क्या है एक बच्चे की लाश को ला करके उनके कंपाउंड में गड़ाई गई है, लिहाजा जो है देखो वो आगे की कार्रवाई कुछ करो बोल को। हाँ चंद लोग जो है मोहल्ले के अंदर के बोलने लगे कि भाई कंपाउंड के अंदर ला कर क्या है एक मरीज बच्चे को गड़ाया गया है, इसके बारे में कुछ इंक्वायरी कर लो बोल को। इसलिए क्या है जलनगर पुलिस स्टेशन क्या है मर्सी पी साहब को पी साहब को सबको इतला करे, उसके मुताबिक उन्होंने आके क्या है अभी इसके बाद इंक्वायरी भी शुरू किया है, बच्चा किसका है कौन लाए क्या करे, हाँ भाई क्या क्यों गड़ाए घर में, हाँ ये तमाम चीज़ें इसके बाद इंक्वायरी शुरू हो रही है। ठीक है, अवन मानना बकर डिलीवरी आगे ವಿಲಾಸ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ದವಾಖಾನ್ಯಾಗ ಅದು ಕೂಸ ಹೊಟ್ಟೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಬಂತಿರಿ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅವರು ಕಲಬುರ್ಗಿಗೆ ಏನು ಹೋಯ್ದು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದು ಜಾಗ ಐತಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಮನ್ಯಾಗ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿತ್ರಿ, ಸಾಂಗ್ ಕೂಸಿತ್ತು ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವ್ರಿ, ನಿನ್ನೆ ಆಗೈತೆ ರೀ, ನಿನ್ನೆ ಚಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ವಿಲಾಸ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ದವಾಖಾನೆ ರೀ, ಹ್ಞೂ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಮಗು ಈಗ ಸತ್ತಿದ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಆಗ್ಬೇಕು ರೀ, ಅವ್ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಹ್ಞೂ ಹುಡುಗಿತ್ತು ಹುಡುಗಿತ್ತು ಹುಡುಗಿತ್ರಿ ಹುಡುಗತ್ರಿ ಹುಡುಗಿತ್ತು ಹ್ಞೂ ರೀ, ಅದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಅವ್ನ ಮನ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಏನು ಹೋಯ್ದಪ್ಪ ಕತ್ತಲ್ದಾಗತ್ತೇಳಿ ಇಲ್ಲೇ ತಂದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಜಾಗದಾಗ ಮನ್ ಕೊಟ್ಟಿವ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್ ರೀ. ಸಂತೋಷ್ ಹ್ಞೂ ರೀ. ಮೊಮ್ಮಗ ಆಗ್ಬೇಕು ರೀ ಅವ್ರು, ಮೊಮ್ಮಗ ಹ್ಞೂ ಮೊಮ್ಮಗ ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಹಡ್ದಿದ್ದಳು ಈಗ ಕೂಸಾನ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಮನ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಜಾಗದಾಗ ಮನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇಲಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಂದ ಹಾಕನಿ ರೀ. ಈಗ ಇನ್ನ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ದಾರ ರೀ, ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ಡಿಲಿವರಿ ಆಗೈತಿ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೈತಿ ಬಿಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಬಾಯಿ ಅವ್ರು ಹೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಮನ್ಯಾಗ ನೀವು ಅದು ಇದು ಮಾಡಿರಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಈಗ ಮನ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಣಿ. ಈಗ ರೀ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಂದ್ಯಾಗ ಹೊರಗೆ ಚೊತ್ತಲ ಜಡಿ ಕೂಸ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ರಿ ಹಳ್ಳ್ಯಾಗ, ಆ ಪದ್ಧತಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನಿಂದ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ತಿಳಿ ಏನನ ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಯಾಗ ಕೊಟ್ಟೆವ್ರಿ. ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಾಗ ಕೊಟ್ಕೋತೇವ್ ನಾ ಯಾಕೆ ಕೇಳೋನ್ ಸಣ್ಣ ಕೂಸ್ರಿ ಏಟ್ರಿ ಅದು ಇಟ್ಟಿರ್ತದ ಬತ್ತಿ. ಈಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾವ ಏನ ಬಲಿ ಹಂಗೆ ನಾವು ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೇವಲ್ರಿ ಸರ್, ಅವ್ರು ಹೇಳೇ ತಂದೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿ ಇಲ್ರಿ ನಾವು ದವಾಖಾನೆ ಆಗಿದ್ದೇವು, ನಾವು ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಜಾಗದಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಹೋರ್ ಮಾಡತ್ತಂದೇವ್ರಿ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಗೊತ್ತ್ರಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗಿರ? ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವಾಮ್ ರೀ. ಅವ್ರ ಖಬರಂಕ್ಕೆ ಲಿಯೇ ದೇಖ್ತೇ ರಹಿಯೇ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೇಷನ್. हेलो दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज है, बी न्यूज नेशन अब आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर एसएमपी केबल नेटवर्क चैनल नंबर 1005 पर. आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया एक मोबाइल ऐप जिसे गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ताज़ा खबरें आपके बी न्यूज नेशन चैनल पर. बी न्यूज नेशन को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. अब आप फेसबुक पर भी बी न्यूज नेशन की ताजा और सही खबरें देख सकते हैं, तो प्लीज बी न्यूज नेशन के फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूले. और बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूजों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूजों को देख सकते हैं.